वहां पे बहुत गर्मी में शूट कर रहे थे हम लोग। गर्मी और अंडर प्रेशर। हमारे डायरेक्टर का गया श्रवण, अरे बाप रे पूरा चूस लिया उसने हमने। बट रियली वी हैड सच अ ग्रेट टाइम। मैं कहना चाहूंगा स्पेशली इस वीडियो के बारे में, लोकेशन के, सबसे पहले लोकेशन के बारे में आप लोग देखोगे आप लोग को लगेगा ये लोग कहाँ शूट करके आए। रियली क्या मतलब कहाँ से खोजा आपने इस लोकेशन को? पॉसिबली द बेस्ट लोकेशन आई हैव शॉट ऑन। एब्सोल्युटली बहुत प्यारा लोकेशन, इट्स मेड द वीडियो लुक सो ब्यूटीफुल एंड ऑफ कोर्स वी आर लुकिंग गुड इन द वीडियो। ऑलराइट, वी आर मिसिंग वन रियली एक अहम हिस्सा हमारे म्यूजिक वीडियो का, शिवम। ओके शिवम उनका नाम यहाँ पर, लेकिन वो अभी यहाँ पर नहीं है, वो दिवाली मना रहे हैं अपने मम्मी पापा फैमिली के साथ। बिसाइड्स लुकिंग गुड, द सॉन्ग इज गोन लुक फिनोमिनल एंड गोन साउंड फिनोमिनल बिकॉज हमारे अमान और अयान जो सिंगर्स हैं ऐसी जान डाली है गाने में, हमें एक्चुअली परफॉर्म करने का मौका मिला बिकॉज ऑफ देयर वॉइस। इट मेक्स सो मच ऑफ अ डिफरेंस मैन, रियली मोर पावर टू बोथ। आई थिंक दैट वुड बी अमेजिंग, आई थिंक ये बहुत सही होगा भाई। टू लाइन्स तो नहीं, एक पूरा मुखड़ा गई है। तेरे जिस्म से अब किसी और की खुशबू आती है, दिल को बस यही बात बड़ा तड़पाती है। तेरे जिस्म से अब किसी और की खुशबू आती है, दिल को बस यही बात बड़ा तड़पाती है। बड़ा रुलाता तेरा यूं मुहाजिर होना, कैसे किसे बताऊं तेरा काफिर होना, क्या उसे भी तू मेरे नाम से बुलाती है। तेरे जिस्म से और ब्रिलियंट ब्रिलियंट पूरी बेवफा निकली है ये, पूरी बेवफा। आप देखो वीडियो, इतना दर्द और इतना पेन दिया है, टूट गया मेरा दिल। तो एंड में मुझे जो करना था मैंने वो किया, प्लीज माफ कर देना मुझे। जो मुझे करना था वो डायरेक्टर ने बोला, वरना मैं नहीं करता ये सब। नहीं नहीं अरे भाई नरसिम्हा की तरह ऐसा ही होगा। अक्सर ऑब्वियसली लाइक आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट है आई थिंक 80s 90s से चला आ रहा है। मेरे ख्याल से एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में बहुत कम देखने को मिला है कि जहाँ पे दो लड़कियाँ हों और एक लड़का हो और ऐसा कोई सॉन्ग हो जिसमें लड़का बेवफाई कर रहा है। आई थिंक ऐसा भी आना चाहिए आपके हिसाब से, कि अक्सर ये दिखाया जाता है कि एक लड़की रहती है दो लड़के रहते हैं, बेचारी लड़की हमेशा बेवफा नहीं करती है, बट ऐसा भी हमें लाना चाहिए। लड़की क्या नहीं, बेसिक हमेशा गर्ल एंड टू गाइस, हमेशा लड़का बेवफा निकलता है। यू डोंट गेट टू सी सॉन्ग्स वेयर इट्स लाइक टू गर्ल्स एंड द गाय इज चीटिंग, एक बेवफा लड़का भी होना चाहिए, ऐसे भी कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। ये सवाल ही गलत है, बिकॉज़ लड़के जो होते हैं साले हमेशा बेवफा होते हैं, लड़के ही होते बेवफा, दोनों होते हैं। अगर आपकी फितरत में अगर आप हो वैसे तो वो आप करोगे, अगर वो लड़का या लड़की वो करेगा ही। तो कुछ 400 या 500 साल पुरानी, 100 साल पुरानी, 450 years old. It's in Goa only. Very beautiful palace. Very beautiful. Very good. Or it was haunted. It was haunted. मैं शूट में से ढूंढ रही थी कीवी के। ये लोग मुझे बोल रहे थे कि आप क्यों नहीं यहीं सो जाए रात में, बिकॉज बहुत दूर था लोकेशन हमारे होटल से, तो हमें लगा और अगले दिन भी वहीं पर शूट करना था। उन्होंने कहा कि आप सो जाए इधर ही। रात में जब हम शूट कर रहे थे तो भाई वो कुत्तों की आवाजें हैं, भेड़ियों की आवाजें हैं, फिर वो पूरा सन्नाटा छाया हुआ। एक बार तो लाइट चली गई थी बीच में और फिर एकदम अंधेरा छाया गया। इट वाज क्रेजी क्रेजी। हाउ डिड इट फील बीइंग द 450 ईयर ओल्ड हवेली में बेवफा? हाउ डिड इट फील बेवफा? वाज इट टू बैड? वाज इट टू बेवफा? भले ये लड़की जितनी भी बेवफा हो, आई रियली वांट टू थैंक हर बिकॉज़ ऑफ हर that I'm doing this song, really. No, really, thank you so much. Absolutely, you deserve a big thank you. Of course, thank you to everybody, but it was Poonam. Poonam ne
स्पेशली कहा कि अगर ये रोल कोई सूट करेगा वो केवी है, प्लीज केवी को ही लो इसमें। अरे हाँ, ये तो मेरे दाहिने हाथ का खेल है। एवरीबॉडी वांट्स टू नो, आपके दाहिने हाथ से उठा सकते हैं क्या? भाई मैं उठा दाहिने नहीं, एक ही हाथ से उठा लूंगा मैं, दाहिने और बाईने हाथ से। लेकिन आज मैं आज कपड़े आज कपड़े थोड़े आज कपड़े थोड़े ज्यादा है मेरे। मैं वो गुस्ताखी नहीं करूंगा प्लीज। लेकिन म्यूजिक वीडियो लॉन्च के दिन तो प्लीज पूरे कपड़े पहन के आना। ये तो नहीं होगा, ये इतना बड़ी चीज कैसे पूछ ली है तुम्हें, ये कैसे हो सकता है? आप चिंता मत कीजिए, इसको पूरे पांडे पूरा 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 ढकेंगे और फिर उठाएंगे इसे। जब मैं कहता हूँ बहन जैसे, इट इज द लव दैट आई हैव फॉर हर, ओके, इट इज अ वेरी, इट्स अ वेरी प्योर लव दैट आई हैव फॉर हर, ओके, इट इज अगेन वेरी अनअडल्ट्रेटेड, ओके, इसलिए मैं कहता हूँ बिकॉज आई फील वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट हर, ओके, और मैं हमेशा ये मानता हूँ कि वी ऑल हैव फ्लॉज, मुझ में कुछ ऐब है, इसमें ऐब है, हम सब में कोई ना कोई ऐब है, लेकिन क्या होता है, दोस्त वही होता है, भाई वही होता है कि जितने भी ऐब आप उसके साथ खड़े रहो फॉर गुड एंड फॉर बैड। एक तो इन्होंने मुझे कहा कि ये गाना एक बार सुन ले फिर करेंगे, पहले सुन ले। जैसे इन्होंने गाना भेजा, मैंने वो गाना 5 बार सुना, मुझे इनकी आवाज में इतनी शिद्दत लगी, मतलब ऐसा लगा कि ये कौन, सबसे पहले मैंने पूछा कि सिंगर कौन है। दानिश, ओके ओके ओके, रियली उसकी आवाज इतनी माइंड ब्लोइंग। देन माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज हु इज कंपोज दिस मैन, यू नो, सो इट इज यू, दीस यंगस्टर्स, आई रियली आई लव यू गाइस फॉर पुटिंग सो मच ऑफ लव एंड पैशन इन योर सॉन्ग्स, रियली थैंक यू, सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। आई होप हम लोगों ने जस्टिस किया है परफॉर्म करके, आई होप लोगों को पसंद आया गाना, बहुत खूबसूरत है। करण भाई बताएंगे क्या बड़ा प्लान है आपकी कंपनी का? So next by next we are coming with some news videos and everything. So we would be getting in touch with you again, okay, when we are launching the video. In a near time we would be launching the video. So Sathi, KV and Poonam, what is the interesting part in your music video? Because nowadays bahut sare music videos aate hain, lekin what is the best in this? In my music video, the interesting part right now is not with us. शिवम नहीं है। आई थिंक ओवरऑल जैसे कहते हैं ना, जब एक प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, हर चीज़ जो होती है वो अपने आप में ही एक एस होती है। yes. चाहे वो लोकेशन हो, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे गाना हो, चाहे एक्टर्स हो, चाहे डायरेक्टर हो, एवरीथिंग जस्ट समड अप टुगेदर एंड इट मेड द एंटायर सॉन्ग लुक। आप एक बार देखोगे और सुनोगे, आपको लगेगा मैं बार बार देखूँ से बार बार सुनूँ। ये 100 मिलियन से कम नहीं होने वाला, ये गारंटी, सीरियसली। एक ही सॉन्ग में मुझे कहा एक साथ देख पाएंगे, हाँ शायद देख पाएंगे म्यूजिक वीडियो के लॉन्च पे। अगर यही आइडिया रहा तो हम उसी वक्त, सर एक अच्छा आइडिया है, जब सारे लोग आने वाले हैं ना म्यूजिक वीडियो लॉन्च पे, वहीं पर म्यूजिक वीडियो कर देना हम सबके साथ। नहीं वो बिजी है। वो गाने पे ही तो ध्यान दे रहा है वो वीडियो को देखकर, मुझे देखना मतलब गाना ही तो देखना हुआ ना। देखिए जब एक बार प्यार हो जाता है ना किसी से, शकल को देखकर, फिर शकल के बाद सीरत भी देखनी पड़ती है। और पूनम जो है सूरत सीरत दोनों से मतलब परे हैं। हाँ, शी इज बियॉन्ड ऑल दिस, बट गाना भी एग्जैक्टली वैसा ही शकल, सूरत तो है गाने की बहुत सुंदर, लेकिन जो सीरत है गाने की, उसको सुनने के लिए, उसको देखने के लिए आपको बार बार देखना पड़ेगा। तो इट्स
साथ ही ये जानना चाहेंगे गाना कब आने वाला है और सभी को क्या कुछ सरप्राइज मिलेगा. वी आर प्लानिंग टू लॉन्च द सॉन्ग इन नियर बाय. राइट नाउ टेंटेटिव डेट्स आर अराउंड 4th, 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 4th,
So this will be a dedication to her. No, but not the words and not the lyrics. Just a project. What about Diwali? How, like, celebrate kiya aap logon ne this year Diwali? Because last 2 years se hum dekh rahe because of pandemic, sabhi festive seasons hum is tarike se nahi mana rahe the. नहीं इस बार दिवाली जिस तरीके से बनी है obviously दो साल बहुत लोगों के लिए हमारे लिए हम सभी घर पे थे डरे हुए थे सहमे हुए थे कोविड में किसी को बाहर नहीं जा सकते छू नहीं सकते कुछ कर नहीं सकते आई मीन अभी भी चीज़ें चल ही रही है ऐसा नहीं कि खत्म हुआ है बट यस इस साल की दिवाली आई थिंक हम सभी के लिए बहुत अच्छी थी गणपति सभी एवरीथिंग इज गोना बी नाइस यू नो थैंक यू गाइस